मैंने सुना झोपड़पट्टी से किसी लड़का को उठा लिया है। दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस को 2024 की पहली ब्लॉकबस्टर देने वाले बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन ड्रामा फिल्म मैदान लेकर आ चुके हैं, जिसके एडवांस बुकिंग शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं। और दोस्तों, इन 2 दिनों की एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा पिकअप तो पकड़ा ही है। साथ ही साथ दोस्तों, इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर भी बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म मैदान की अभी तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। जानेंगे दोस्तों कि इस फिल्म को कितनी स्क्रीनों पर रिलीज किया जा रहा है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अजय देवगन के फैन हैं और उनकी फिल्म मैदान का आपको भी इंतजार है तो वीडियो को दिल से लाइक करके साथ ही इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें आपको कि मैदान एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जो कि दोस्तों इंडियन फुटबॉल के 90 के गोल्डन एरा को दिखाती हुई फिल्म होगी, जिसमें आपको सुपरस्टार अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम के करेक्टर में नजर आने वाले हैं। सैयद अब्दुल रहीम उस वक्त पर एक कोच थे जिन्होंने अपना एक ड्रीम देखा था और दोस्तों इंडिया को फुटबॉल में गोल्डन एरा दिखाया था। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म में उनका साथ देने वाली हैं प्रिया मणि। तो वहीं दोस्तों, उनके अपोज में खड़े होने वाले हैं गजराज राव। गजराज राव दोस्तों एक बेहतरीन एक्टर हैं जो कि इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं। अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में अच्छी एक्साइटमेंट है। इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर ऑडियंस ने पसंद किया है। गाने दोस्तों इस फिल्म के भी ठीक ठाक हैं। लेकिन दोस्तों, अजय देवगन की ऑडियंस के बीच में जो फैन फॉलोइंग है वो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ी ओपनिंग दिलाने के लिए काफी है। दोस्तों बताते चले आपको कि जी स्टूडियोज ने इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में रिलीज कर रहा है, जिसे कि प्रोड्यूस किया है बोनी कपूर ने। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस फिल्म को लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया है, जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कनाडा और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा। इन 5 ही भाषाओं को मिलाकर दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया से 2200 से ज्यादा स्क्रीन मिलनी है और इन 2200 स्क्रीन पर दोस्तों ये फिल्म अपने पहले ही दिन काफी बढ़िया ओपनिंग लेने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक की एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर की वजह से इस फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस फिल्म को 2DX में और सीज में भी रिलीज किया जाना है और वहां पर भी दोस्तों इस फिल्म को लगभग 700 से 1000 स्क्रीन मिलनी है। इन 1000 स्क्रीन पर दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन और सीज से भी 6 से 7 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से ले लेगी और ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो आसानी से 22 से 23 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है अजय देवगन की मैदान अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।